तो ईएमएस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ना एक फोटो में वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देती है। एम मीटर एक मशीन है जो करंट को मेजर कर देती है कि एक वायर में कितना करंट है। इससे पहले मैं आगे चलूं तो मैं ये मशीन ना आपको हर जगह ये फोटो में आपको देखने को मिलेंगी मिलेंगी, तो मैं ना इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेसिक लेवल, लेकिन डिटेल में एक महीने के बाद अगले चैप्टर में आने वाला है ये मशीन बनती कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन सिलेबस में है। अभी के लिए अगर मैं एक मीटर लगाऊं जिसको बोलते हैं एम मीटर या ए मीटर, बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा मीटर है जो करंट को मेजर करता है। तो अगर आपकी वायर में करंट जा रहा है आई और आपको नहीं पता कितना करंट है, देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा ये थ्योरी की चीज़ें हैं, आपकी एक वायर जा रही है सामने, तो आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला लें तो वो ना अपने बस्ते में से एक मीटर निकालता है, येलो से कलर का वो डिजिटल मीटर आता है, तो क्या करता है वायर को उसमें एंटर करवा देगा और देखो वो डिजिटल पूरा दिखा देगा कि इसमें 1 एम्पियर करंट है, तो वो एम मीटर है। एम मीटर कर क्या रहा है, वो क्या करेगा इस वायर को इसके अंदर एंटर करवा देगा और जो करंट को मेजर करना है वो एम मीटर के अंदर जब तक घुसेगा नहीं तो मेजर कैसे करोगे। तो इसलिए बोला जाता है एम मीटर हमेशा वायर में सीरीज में लगता है, सीरीज का मतलब वायर के साथ अटैच होता है ताकि सारा करंट एम मीटर में जा सके। तो एम मीटर सीरीज में लगता है और जब ये काम कैसे करता है वो आप छोड़ दो, वो तो अगले महीने हमने करना है, पर बस ये बता रहा हूँ कि एम मीटर सीरीज में देखेंगे आप, तो एम मीटर जहाँ लगेगा इसका मतलब वहाँ करंट मेजर हो रहा है, ठीक है। तो ये फोटो ना बीच में जगह जगह लगी होगी, इसे कंफ्यूज नहीं होना, लगे रहने दो। वो तो बता रहा है कि एम मीटर की रीड, वो पूछेगा कि बोलो इसमें एम मीटर की रीडिंग क्या है, एम मीटर की रीडिंग का मतलब आपसे वो करंट पूछ रहे हैं इसमें करंट कितना है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन कि बताओ वायर में करंट कितना है, वो एम मीटर की फोटो लगा के पूछेगा एम मीटर की रीडिंग क्या है, इसका मतलब वो चेक कर रहा है कि आपको पता है कि एम मीटर करंट मेजर करता है। फिर दूसरी मशीन है जिसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो आपके घर में एक वायर जारी थी जिसकी रेजिस्टेंस आई है, जिसके अंदर करंट आई, जिसमें जो करंट जा रहा है वो सॉरी आई जा रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो आपने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया, आपने कहा जी देखो ये वायर जा रही है, हाँ जी कहते हैं वायर जा रही है, तो आपने कहा कि इसका ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दो। तो उसने कहा मेजर क्या करना है, तुम बता आई और आर कितना है मल्टीप्लाई कर ले। तो आपने बोला ना तो मेरे को आई पता है और ना मेरे को आर पता है, अब बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो फिर अपने थैले में से एक मशीन निकालेगा जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके साथ उठा के पैरेलल में लगा देगा ऐसे पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वी की वैल्यू क्या रहती है सेम। तो वो मशीन काम कैसे करती है वो ना पूछें, वो तो अगले महीने करना है, तो क्या करेगी वो बताऊंगा, पर सोचो डिजिटल मशीन है, वो फटाफट बता देगी 10 वोल्ट, तो पता लग जाएगा ऊपर 10 वोल्ट है क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एम मीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। एक और फैक्टर बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसके बारे में, इससे पहले आगे टॉपिक स्टार्ट करूँ। जो एम मीटर की रेजिस्टेंस है, एम मीटर वायर से बना होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, और आइडल एम मीटर जो हम इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जो बाजार में मिलते हैं, आइडल, एक आइडल एम मीटर की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। आपको वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यार अगर तुम इसका करंट मेजर करना चाहते हो, तुमने दुनिया भर की रेजिस्टेंस लगा दी, तो तुम्हारा करंट पोटेंशियल ड्रॉप करके करंट को चेंज कर देगा, ये जिस सर्किट में लगेगा करंट ही उसका चेंज कर देगा, खुद की रेजिस्टेंस ऐड कर देगा वायर में। तो खुद की रेजिस्टेंस जब ऐड करेगा पूरे सर्किट का करंट चेंज कर देगा। तो मैं नहीं चाहता कि करंट चेंज हो, तो मैं ये मानता हूँ कि रेजिस्टेंस इसकी क्या होती है, बहुत लो होती है, तो ये सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता और कॉन्ट्रीब्यूट ना करते हुए करंट को एज इट इज जाने देता है बिना चेंज किए, तो इसलिए रेजिस्टेंस एमीटर की लो रखी जाती है। और दूसरा, अगर वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, बहुत बहुत हाई। कितनी हाई, एक आइडल एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी को इनफाइनाइट बोलते हैं। आप सोचेंगे वो क्यों, देखो मैंने आपको कहा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप बात समझ गए, आपने ये सोचा कि ठीक है बात तो ठीक कह रहे हैं कि इसमें करंट आई जा रहा था ना, आई तो आई करंट जा रहा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे आई इंटू आर की वैल्यू बता दें। सिंपल, मेरा दूसरा मतलब ये है आई इंटू आर बता दें।
वो अलग बात है कि ना मुझे आई पता है ना आर पता है, पर चाहता तो मैं यही हूँ आई इंटू आर का प्रोडक्ट बता दे। अगर मैं एम मीटर वोल्ट मीटर पैरल में लगा दूँ और पीछे से अच्छा भला करंट आई आ रहा था, बीच में अपनी वायर लगा के बैठ गया, सोचो अगर इसकी रेजिस्टेंस लो हो या मॉडरेट हो तो ये भी तो कुछ करंट ले जाएगा इसका, तो इसका करंट जो आई जा रहा था अब आई डैश हो जाएगा, क्योंकि कुछ करंट आई माइनस आई डैश तो वी भी ले गया, ज्वाइंट है ना, जंक्शन आ गया, करंट डिवाइड हो गया ऊपर नीचे, और जैसे ही करंट डिवाइड हुआ यार यहाँ का ये तो इसने शोर मचाया भी मेरा, तो आपने करंट ही कम कर दिया, तो जब तुम मेरा करंट कम कर रहे हो तो मेरे वी में अफेक्ट आ गया, तुमने अच्छा वोल्ट मीटर लगाया, तुमने वोल्ट मीटर लगाया तो मेरा करंट ही ले गए, तो मेरा करंट ले गए तो मेरी तो वैल्यू चेंज हो गई, मेरा करंट मत लो, मेरा करंट चलाओ मत। तो फिर मैंने डिसाइड किया वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई रख देंगे, तो बहुत हाई रखने का मतलब क्या है, बहुत हाई रखने से एक फ़ायदा होगा, इसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई है कि इसका करंट ये चुरा ही नहीं पाएगा, और अगर इसने चुरा भी लिया तो ना मात्र करंट है, आपको पता ही लगा इसने चुरा लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो करंट वो रास्ता फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस को लो मिलती है, हाई में तो बहुत कम करंट जाता है, तो इसमें ना मात्र करंट गया, मतलब आपको निग्लिजिबल चेंज है इसमें, आपको पता भी लगेगा कि चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, इसका करंट तो वैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट, और हल्का सा करंट अगर ये ले भी गया आई डैश और इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो ये अपना प्रोडक्ट लगा लेगा आई डैश इंटू आर, जो भी आंसर आएगा वो बता देगा कि इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हल्का सा करंट लेके। तो मैं नहीं चाहता कि मेजर करंट चेंज हो, तो मैं वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को क्या रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई रख देता हूँ। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि एम मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है कि लो होती है, आपने लो बोलना है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस पैरल में लगता है हाई कि लो, बहुत हाई, क्लियर है यहाँ तक, तो पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, तो ये फैक्टर्स याद रहेंगे। तो आज के बाद ना जब डायग्राम बनेगा तो एक्चुअल में आप इसको देखें ही मत, ये तो वैसे ही बताने के लिए लगा रखा है कि एक्चुअल में एक वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो मान लीजिए आपकी बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, एक की गिवन है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैंने वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाया, ये लगा दिया, और मैंने इस की को नहीं दबाया, जब नहीं दबाया तो बोलो करंट बैटरी में से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैंने दबाया ही नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया इसे, तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। जब करंट नहीं निकलेगा तो ये यहाँ पे जो ये मान लो डिजिटल मीटर है, यहाँ पे रीडिंग क्या आएगी बोलो, ई आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये सेल के टर्मिनल्स को ज्वाइन करेगा, सेल के टर्मिनल को ज्वाइन करेगा, सेल ने करंट तो बाहर निकाला नहीं, आपने की तो दबाई नहीं, तो ये क्या बता देगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जी ईएमएफ है। लेकिन जैसे ही आप इसे दबा देंगे बैटरी में से करंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम ये रीडिंग ई की बजाय क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, और वी का फॉर्मूला सबको पता है कितना, ई माइनस आई आर। तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर एक तरीके से एक जादुई मशीन है जो बस पढ़ के बता देती है कि कितनी वोल्टेज की वैल्यू टर्मिनल्स के क्रॉस है। तो सोचें कि अगर मान लो इसमें से करंट बाहर नहीं निकला तो 9 वोल्ट देगा, करंट बाहर निकल गया तो 7 वोल्ट दे देगा, तो वोल्ट मीटर का कसूर थोड़ी ना, वोल्ट मीटर तो बस रीडिंग बता रहा है आपको क्या होगी। वोल्ट मीटर की जगह हटा दो वोल्ट मीटर, तुमसे पूछ लेता हूँ, ये लो हटा दो वोल्ट मीटर, तुम बता दो अगर की नहीं दबी थी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ई, और जब की दबा दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी, तो अपना नाम रख लो वोल्ट मीटर, तुम भी, तुम्हारा नाम वोल्ट मीटर है, तुम भी तो ये मेजर करके बता रहे हो, तो तुम ही तो हो ये जो यहाँ जाके बता रहे हो देख देख के कि इसमें ई है कि वी है, एक ही बात है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो वोल्ट मीटर दिखाने का तरीका है, पूछ तो मैं आपसे रहा हूँ कि आंसर क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब कि जब इसके अंदर की दबेगी तो अच्छा शॉर्टकट बताओ इसमें क्या होगा, इसमें जब करंट जाएगा आए, जब दबा दिया तो बोलो आई की वैल्यू क्या होगी, ई डिवाइडेड बाय, ये किया था आज हमने, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, कोई डाउट। तो आप ना अपनी डेरिवेशन ना यहीं से शुरू कर लो, या ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, वी का फॉर्मूला बैटरी के अक्रॉस क्या होगा बोलो, ई माइनस आई आर, मानते हो। तो आप ना ये कुछ भी मत स्टार्ट करो, ऊपर वाला छोड़ दो,
आप स्टार्टिंग यहीं से करो, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। देखो ना, आई आर को इधर ले गया तो क्या बन गया, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो आप ऊपर वाला मत लिखो ना, प्रूव मत करो, ये आपको तो ऑलरेडी याद ही है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये लिख लो बुकलेट में। ये लिखने के बाद अगला स्टेप ये लिख लो, ये लिखने के बाद आई आर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, ऐसे लिख लो। ये समझ में आ रहा है, ये पहला स्टेप रीअरेंज करके, ये दूसरा स्टेप, आई आर एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो ये तीसरा स्टेप, ठीक है यहां तक, ये तीसरा स्टेप। यहां से स्मॉल आर एक तरफ, करंट नीचे, नेक्स्ट स्टेप, करंट की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये भी तरीका था, वी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर भी तरीका था। तो यहां से आई की वैल्यू क्या है, वी बाई कैपिटल आर, तो इस आई की वैल्यू को यहां पुट कर दो, वी बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर ऊपर चला गया, वी नीचे आ गया, ई बाई वी माइनस वन। फॉर्मूला नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो कि आज के बाद अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक सेल 9 वोल्ट का सेल है, 9 वोल्ट का सेल है, और जब करंट बाहर निकला तो वी कितने, 7 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने लगाई मान लो वो 3 ओम की है, तो आप सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को 1 मिनट में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सेल की क्या देता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर है, नोट कर लो, इसे इंपॉर्टेंट है।